गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस थंबनेल और टाइटल में गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा कि BMW 50 का ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ देखो ना BMW 50 है, बारिश भी गिर रहा है भाई, बारिश में वीडियो बनाना पड़ रहा है भाई। कुछ मैं ओनरशिप रिव्यू बताने वाला हूँ BMW 50 का और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का नुकसान हुआ है मेरा, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा के मॉडिफिकेशन कर बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे आ चुके हैं। तो गाइस मेरे MD का ओनरशिप रिव्यू बताऊंगा और आफ्टर मार्केट जो मैंने एक्टिवा का एग्जॉस्ट लगाया है उसका मैं बताऊंगा क्या नुकसान हुआ है मेरा। तो चलो गाइस बाइक को पहले थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो गाइस आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट लगाया है मैंने एक्टिवा का देख लो एक बार, और यहाँ पे टेल लाइट भी लगाया है। तो MD 50 मेरा 1.5 साल ही हुआ है, MD 50 मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ। तो गाइस मैंने आफ्टर मार्केट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाया था, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ भाई। तो देखो गाइस फुल सिस्टम मैंने एग्जॉस्ट लगाया था आफ्टर मार्केट। तो एग्जॉस्ट का जो बैंड टाइप था वो थोड़ा रस्ट खा रहा है, देखो गाइस यहाँ से बहुत ही रस्ट खा चुका है आफ्टर मार्केट का जो बैंड टाइप है, क्वालिटी का अच्छा नहीं है। मैंने 2100 रुपये में लिया था तो ये रस्ट खा गया भाई। ये जो एक्रोपब्लिक है ये ओरिजिनल नहीं है गाइस, ये फर्स्ट कॉपी है। तो थोड़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ था इसलिए तो थोड़ा घिस चुका है। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है भाई, इस एग्जॉस्ट का प्राइस के मामले में वैल्यू फॉर मनी है भाई, क्योंकि अभी भी देखो कोई भी कुछ रस्ट नहीं पड़ा है एग्जॉस्ट पे। देखो नट पे पड़ा है यहाँ पर एग्जॉस्ट पे नहीं पड़ा है भाई। पहली बात MT 50 में देखो गाइस टायर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, 1 साल बीतते तो टायर एकदम प्लेन हो जाता है, चेंज करना पड़ेगा। तो सामने का टायर का हाल देखो गाइस एकदम पूरा प्लेन हो चुका है, पीछे वाला मैंने चेंज किया, सामने वाला नहीं चेंज किया। तो ये मेरा V2 नहीं है, पहले वाला मॉडल है। तो देखो गाइस ये वाला पूरा प्लेन हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे रस्ट हो रहा है। देखो गाइस ये जो MT 50 कंपनी से आता है यहाँ देखो रस्ट खा रहा है भाई, पेंट उतर रहा है। और अभी माइलेज तो मेरा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है भाई एक्रोपब्लिक का, तो माइलेज मुझे कम से कम 28 का माइलेज मिल रहा है, इतना टाइम हो रहा है भाई यूज़ कर रहा हूँ, माइलेज घट रहा है भाई MT 50 का। तो स्टॉक एग्जॉस्ट में जब लगाता हूँ तो बाइक ज़्यादा खींचता है, और जो ये वाला एग्जॉस्ट लगाता हूँ तो भाई कम खींचता है भाई, और इसका माइलेज भी कम आता है। तो मेरी मानो तो स्टॉक एग्जॉस्ट ही बेस्ट है, क्योंकि मैंने एक साल पूरा यूज़ किया मैंने ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट MT 50 में। साउंड इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इससे ज़्यादा फटता नहीं है। पर ये जो एग्जॉस्ट लगा MT 50 में, R 50 में, 155 cc के बाइक में, 200 cc के बाइक में एग्जॉस्ट लगा, तो माइलेज भी बहुत कम हो रहा है भाई। और साले मैंने थोड़ा रैपिंग भी करा था हैंडल के वाले, MT 50 का हैंडल में बुरा नहीं बोला, सबसे बेस्ट MT 50 का हैंडल भाई, बहुत ही कंफर्टेबल है चलाने में। 2 hours later तो मेरा वाला पुराना मॉडल है, तो मैंने आफ्टर मार्केट यहाँ पे इंडिकेटर्स भी लगा, और पीछे का भी आफ्टर मार्केट इंडिकेटर है भाई, और TLID भी लगा। TLID का तो मैं बताऊँगा MT 50 में गाइस आप लोग मत लगाओ, V3 में लगाओ तो ठीक है, MT 50 में मत लगाओ, क्योंकि MT 50 में लगाने का बहुत सारे नुकसान है भाई। एक तो भाई हर टाइम चलाते हुए फोल्ड हो जाता है फिर खुल जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है भाई कब क्या होगा, और पुलिस ज़्यादा पकड़ती है भाई इसमें। तो MT 50 का जो ये टायर है ना बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ है बाहर की तरफ गाइस, देखो बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ है बाहर, इसीलिए जब बारिश होता है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है आपका टी शर्ट, यहाँ से पूरा एकदम पानी उठ के आपके टी शर्ट में लग जाता है भाई। तो MT 50 में मेरी मानो तो ये TLID मत लगाओ भाई, मैंने खुद यूज़ किया है, मैं ओनरशिप रिव्यू बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये अब मत लगाओ, बहुत ही बरसात में मैंने बहुत सारे चीज़ें फेस की है। और एग्जॉस्ट तो बहुत ही प्रॉब्लम है भाई, और MT 50 का एक बार देखो यहाँ डिस्पैड, तो मेरा यहाँ का एक बार हाल देखो गाइस, पूरा रस्ट खा चुका है। ये क्वालिटी MT 50 ने एकदम बेकार है भाई, ये अपडेट करना चाहिए यामा वालों को। और मैंने अभी तक जो ये लगाया व्हील कवर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं किया, बहुत ही मस्त क्वालिटी है, अभी भी इतने बड़े व्हील कवर में एक स्क्रैचेस तक नहीं है मेरे, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये आप लगा सकते हो बहुत ही अच्छा होगा, दिखने में भी कूल लगता है भाई, एक बार लुक चेक करो। और पीछे का टायर मैंने नया टायर लगाया अपोलो अल्फा H1, तो चैनल पर वीडियो है मेरा जाके देख लो, पूरा रस्ट खा चुका है भाई, सामने से यहाँ से देखो पूरा रस्ट खा चुका है बैंड पाइप, एकदम हालत ख़राब। तो आफ्टर मार्केट में ये मानो तो गाइस इसमें अंडर वैल्यू नहीं होता, जो KTM में NS में होता है, डोमिनार में होता है,
जो हर सुपर बाइक में होता है, सब बाइक में नहीं होता, वह अंडर वैली इसमें नहीं है गाइस। इसमें डायरेक्ट बैंड पाइप से यहाँ जोड़ते हैं, तो मैंने ये जोड़ा था यहाँ से पूरा डायरेक्ट बैंड पाइप खरीद के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का, तो मेरा करीब करीब 12,000 का खर्चा हो गया। पर ये जो बैंड पाइप का क्वालिटी है बेकार क्वालिटी है भाई, रस्ट खा रहा है। तो मेरी मानो तो एग्जॉस्ट मत लगाओ भाई MT50 में, कि बाइक सह नहीं पाएगा आपका बाइक। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा रस्ट खा रहा है भाई MT। और सीट के मानो तो MT50 गाइस, मैं इतने ज़्यादा राइड कर चुका हूँ, 50,000 किलोमीटर तो आराम से चला चुका हूँ भाई, तो सीट बहुत ही छोटी सीट है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मैं कोई टूरिंग के लिए बैग लूँ तो बैठ नहीं सकते दोनों लोग, और इस सीट में कुछ भी कुशनिंग नहीं है कुछ भी। अगर मैं 30 किलोमीटर भी बाइक चलाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है भाई सीट की वजह से, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन भी किया है, कलर देखो रेड करवा लिया है। और एक चीज़ जो नए मॉडल में है, पुराने मॉडल में नहीं है, ये वाला मडगार्ड, ये मैट मडगार्ड दिया है पता नहीं क्यों, एकदम बेकार मडगार्ड है, मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ भाई एकदम बेकार। जो नया वाला मॉडल है शाइनी मडगार्ड है भाई, बहुत ही मस्त लगता है वो मडगार्ड। जो नया वाला MT50 उसमें कुछ फीचर्स भी ज़्यादा है, और MT50 सब ठीक है भाई, सीट थोड़ी छोटी है मेरी मान तो, थोड़ी बड़ी करते सीट को तो अच्छा होता। यहाँ का जो गंदा पानी है बरसात में वो नहीं आता और ड्रेस पे, और देखने में भी अच्छा लगता है। Z900 जैसा करता है यहाँ पे, थोड़ा कट के यहाँ पे थोड़ा V3 जैसा लुक देता, जैसे S1000 RR नेकेड में है, तो ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी मस्त है। तो एक बार देखो MT कैसा लग रहा है। और मेरी मानो तो गाइस आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मत ही लगाओ, मैं तो 28 डेज़ बाद मोबिल चेंज करता हूँ गाइस, क्योंकि बाइक ख़राब हो जाएगा वो नहीं चेंज करोगे। फिर क्लच प्लेट, मैं 3 बार एग्जॉस्ट की वजह से क्लच प्लेट चेंज कर चुका हूँ, मेरा तो कम से कम 21,000 का खर्चा हो गया एग्जॉस्ट लगाने के बाद, बहुत सारा नुकसान हो गया भाई एग्जॉस्ट लगाने के बाद, क्लच प्लेट ख़राब हो गया। और यहाँ पे जो मोबिल है बाइक का वो भी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मेरी मानो तो गाइस आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मत लगाओ, साउंड के लिए लगाना चाहते हो तो 2 दिन के लिए सही है भाई, आप परमानेंट मत लगाओ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है एग्जॉस्ट। आपके बाइक के जो पिस्टन है उसमें प्रॉब्लम है, पिस्टन ख़राब हो गया तो गाइस सोच लो एक बार क्या हालत हो जाएगा। पिस्टन ख़राब हो गया तो एकदम 12,000 का खर्चा हो जाएगा MT50 में। मेरा पिस्टन ख़राब हो चुका है गाइस, एक बार मैं चेंज कर चुका हूँ, तो मेरी मानो आफ्टर में एग्जॉस्ट मत लगाओ गाइस। अगर 1-2 दिन के लिए कोई एग्जॉस्ट किसी फ्रेंड के पास है तो लगा सकते हो भाई, परमानेंट मत लगाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाइस MT50 में। MT50 का जो चेन है गाइस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि इस स्टैंड जब उठाते हो ना तो स्टैंड जो मिट्टी होती है या कुछ पानी वगैरह होता है तो यहाँ पे डस्ट वगैरह लग जाता है उठ के। तो चेन मेरा बहुत ही, मैं 15 दिन बाद चेन साफ़ करता हूँ, फिर भी चेन का हालत देखो गाइस एकदम बदतर हो चुका है। चेन का हालत देखो, एकदम मिट्टी जम गई है भाई चेन पे, देखो हालत। तो यहाँ पे भी देखो रस्ट आ रहा है भाई, कितना ज़्यादा रस्ट आ रहा है भाई। इसका MT50 का चेन बहुत ही ज़्यादा, दूसरे सारे नेकेड बाइक से MT50 का चेन बहुत ही जल्दी ख़राब होता है भाई। मैंने 3 बार नया चेन लगाया फिर भी ये वाला भी ख़राब हो चुका है, 50% ख़राब हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा चेन ढीला हो जाता है MT50 का, नया लोगे तो तब मज़ा आएगा, पर V3 में इतना ज़्यादा चेन ढीला नहीं होता, MT50 में ज़्यादा होता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है MT50 में। टैंक जो है MT50 का बहुत ही अच्छा लगता है, Z900 वाला पोस्चर है गाइस, यहाँ से देखो Z900 वाला पोस्चर है, मैंने खुद यूज़ किया है, बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है, जितना चलाओगे उतना चलाने का मन करेगा MT50। और इसका जो टैंक है, अभी तक मैं इसके टैंक पे मेरा 1 भी स्क्रैचेस नहीं आया, आप लोग चेक कर लो गाइस, ये रैपिंग है बस इस साइड में दिखा देता, पर टैंक पे देखो गाइस 1 भी स्क्रैचेस नहीं है MT50 में। इसका टैंक का जो क्वालिटी, बहुत ही मस्त क्वालिटी का ये बिल्ड क्वालिटी है MT50 का, ये जो टैंक का ये जो पार्ट है ना बहुत ही मस्त क्वालिटी का, अभी भी एक स्क्रैचेस तक नहीं आया, 1.5 साल में यूज़ करना, 50 किलोमीटर मैंने चला लिया। और एक प्रॉब्लम है MT50 में, सामने में जो अप एंड डाउन फोग है, ये फोग बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, इनके अंदर जो ऑयल रहता है ना यहाँ से भरते हैं ऑयल, तो ये ऑयल बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाए, थोड़े छोटे से भी गड्ढे में भी जाओ ना तो ऑयल सील कट जाता है भाई, फिर चेंज करना पड़ता है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत ही जल्दी ये MT Yamaha को सुधारना चाहिए भाई ये प्रॉब्लम। तो मैंने 1.5 साल हुए बाइक लिए, तो देखो भाई यहाँ पे पेंट निकल रहा है भाई, कंपनी का पेंट निकल रहा है, तो बहुत ही बुरा है। रेडिएटर, इसका जो रेडिएटर है कंपनी ने दिया है देखो, थोड़ा छोटा है, मुझे तो लगता है थोड़ा बड़ा रेडिएटर देना चाहिए। पर रेडिएटर का हाल देखो बरसात में गाइस, क्या हाल है, एकदम पूरा ख़राब हो चुका है मेरा रेडिएटर, 95% ख़राब हो चुका है, हाल देखो बरसात में ये होता है भाई MT50 का। और इसका जो वायरिंग है एकदम बेकार वायरिंग है, देखो कहाँ कहाँ से वायर लगे हैं, देखो
इसके फेयरिंग के अंदर से वायरिंग देते तो अच्छा लगता, कहाँ से वायर निकले हैं देखो, एकदम बेकार लगता है भाई यह वाला लुक। तो MTFT को यह सुधारना चाहिए। जब बारिश के टाइम में चलाता हूँ यहाँ से एकदम कीचड़ उछाल के यहाँ पे MTFT के फेस में लग जाता है गाइस फ्रंट में। जब ज़्यादा रश चलाता हूँ तो बारिश में यहाँ से एकदम कीचड़ उछाल के पूरे MTFT के हैंडल मेरे कैमरा में गिर जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो नीचे वाला मडगार्ड का पार्ट है ये भी थोड़ा छोटा है गाइस, ये थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर जो कवर है उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। कवर है थोड़ा, इस कवर को ये बढ़ा देते भाई, यहाँ पे इंजन पे जो रस्ट लग रहा है देखो, साइलेंसर पे जो रस्ट लग रहा है भाई वो रस्ट नहीं लगता अगर थोड़ा ये बढ़ा देते। हाँ, थोड़ा ये चेंज करना चाहिए भाई हम वालों को। जो नया मॉडल है उसका भी सेम ही साइज़ है, अगर ये थोड़ा बढ़ाना चाहिए फ्रंट वाला मडगार्ड, अगर नहीं तो ये कवर जो है ये कवर थोड़ा बढ़ाना चाहिए गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रस्ट खा रहा है MTFT यहाँ पे। देखो इंजन में पूरा गंदा, बारिश में जितने सारे कीचड़ होते सब यहाँ पे लग जाते भाई। ये चेंज करना चाहिए MTFT को, थोड़ा ये वाला बढ़ाना चाहिए। होपफुली एंजॉय माई वीडियो। तो गाइस MTFT में जो आफ्टर मार्केट जॉब का प्रॉब्लम है और होना तो बिजी, तो मैंने डेटा लीज किया 60 किलोमीटर चल रहा है, आपका रिव्यू बता दिया। तो कोई भी प्रॉब्लम है गाइस MTFT को लेके, तो मॉडिफिकेशन कराए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या MTFT परचेज करने वाले हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा। यहाँ पर दोनों भाई हैं जो लेकर पीछे बाइक देख रहे हो। तो चलो गाइस वीडियो का ही ऑफ करता हूँ गाइस, वीडियो को शेयर करना, साथ से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भाई चैनल को, नया को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो होपफुली एंजॉय माई वीडियो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी तक के लिए इतना ही।